इसका मजा और आपके मनोरंजन के लिए चार लाइनें सुनेंगे। दुश्मनी में दुश्मनों की गाली अच्छी लगती है, दुश्मनी में दुश्मनों की गाली अच्छी लगती है, और भूख में काली गुलाब जामुन अच्छी लगती है। और ऐसी महफिल में कोई महाभारत गाए वहां डाली अच्छी लगती है। बात एक समय की, वीर अभिमन्यु चक्र व्यूह तोड़ने जाते हैं और वहां कौरवों की गद्दारी देखकर क्या कह रहे हैं, समय का अभाव है। क्या बात है, हमारे बीच अभी भी पधारे सम्मानीय हमारे बड़े भैया दीपक जी पालीवाल, होंडा शोरूम सिनेमा के संचालक महोदय, और इस कार्यक्रम के संरक्षक परम आदरणीय दीपक भैया का हृदय से स्वागत करते हैं। इसी क्रम में उन्हीं के साथ में आदरणीय श्री नीलेश जी राठौर, हमारे नीलेश भैया, उनसे निवेदन करूंगा कि वे ससम्मान मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। हमारे नीलेश जी राठौर, दीपक जी पालीवाल, फंडा शोरूम के संचालक महोदय, जय जय श्री राधे। नीलेश जी राठौर, नगर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चले अपने होता है, कहीं पर बैठा हुआ विधाता भी होता है, जहां पर मर गई मर्यादा वहां विधाता भी होता है। वीर अभिमन्यु चक्र व्यूह के पहले दरवाजे में जाते हैं और कह रहे हैं, यहां तो लगती है मुझे बिजली सरकार, यहां लगती है हमें मिली जुली सरकार, एक मासूम पर मिलकर चलाएंगे बार, और मैं भी वो वीर का बच्चा हूं, ना हटाऊंगा पीछे कदम, एक एक कर आ जाओ कर जाऊंगा हजम। गुरु द्रोणाचार्य जयद्रथ और सभी योद्धा अभिमन्यु को घेरे खड़े हैं। अभिमन्यु कह रहा है कि आओ,
अगर आपकी ऐसी मंशा है तो लड़ाई शुरू करते हैं गुरुजी। अरे आओ गुरु, आओ गुरु कर जंगे शुरू, वार पे वार आज चौधर चले। अरे फिर ऐसा बोला, अरे मिले ना मिले, कहा अरे कल ऐसा वो अरे मिले ना मिले, एक शेर याद आया दीपक भैया सुने के, आज सरस्वती के बेटों में भीषण संग्राम होगा, आज सरस्वती के बेटों में भीषण संग्राम होगा, रागिनी रोते फिरेगी रागों का बदनाम होगा, मगर क्या करें निर्णायक समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। ऐसी बात शंकर गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जयद्रथ ढोकला गए, कहा बेटा तेरा जीना मोहार कर दूंगा, मार मार के लाल और पीला कर दूंगा, अपनी औकात में रहे वरना एक थप्पड़ में मुलाल। क्या कह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य, अरे काहे को मरने चला, इतन जल गया यमल चल गया और कह रहे हैं पूछो का बात कही आज करता और
कि प्रशंसा पे जो वाकई वीर होते हैं, प्रशंसा वो नहीं करते जो वाकई वीर होते हैं। अरे बोलो ना ऐसे वचन जो सीना, और अभिमन्यु कह रहे हैं कि आओ मैदान जंग खुली हुई है। क्या हुआ कि तुम लगा के बाजी लगा के अभिमन्यु की ऐसी बात सुनकर